गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 8 बजे है। मैंने 6 बजे उठ के फिर अपना बातिंग सब कुछ, जो सुबह का काम सब कुछ ख़त्म कर लिया। अभी हम रेडी हो गए जाने के लिए। यहाँ से हम जाएंगे रामेश्वरम। अभी मदुरई में स्टे किए थे कल, और ये वाला पीछे में जो होटल आपको दिख रहा है, एक्चुअली ये ढाबा टाइप है, मतलब ऐसे ही। तो रहने का कोई बात नहीं है, रहना तो मेरा गाड़ी में ही, मैं तो लास्ट ब्लॉग में आप देखिएगा, मैं गाड़ी में ही, मेरा बेड सेटिंग है तो वहीं पे मैंने सोया था, तो अच्छा ही नींद आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, फैन वैन भी था है। तो अभी ब्रेकफास्ट करना है क्योंकि लेट हो गया है, कोई अच्छा जगह तो नहीं मिला, तो यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करके फिर यहाँ से निकलेंगे, फिर जाके देखते हैं कहाँ पे कैंप लगाते हैं। ठीक है, और खाने में क्या मिलेगा, क्या चाहिए देखो ना। मुझे तो रोटी पसंद है, तो रोटी के साथ, रोटी तो पूरी है, पूरी है हाँ। चलिए कोई बात नहीं है, पूरी पूरी सब्जी हाँ, सब्जी ठीक है। वैसे सुबह तो मैं रोटी ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन यहाँ पे रोटी नहीं है तो बोला कि उसके जगह पूरी है, सब्जी है, तो चलो कोई बात नहीं है, यही दे दो। ठीक है, खाना आने दीजिए, फिर खा के यहाँ से निकलेंगे। साइज़ देखिए, पूरी आ गया, अभी आप साइज़ देखिए। इतना बड़ा है, दो हाथ में पकड़ा हूँ मैं ये, देखिए मेरा मुंह ढक रहा है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत नींद आ गया था, गाड़ी रोक दिया, कॉफ़ी बनाया, अभी थोड़ा कॉफ़ी पीना है, कॉफ़ी पी के चलेंगे। सुबह का भोजन इतना अच्छा हो गया ना, तो इसीलिए नींद आ गया था थोड़ा। मदुरई से रामेश्वरम का रोड जो है बहुत ही अच्छा है, सुपर रोड। आप लोग रोड ट्रिप पे यहाँ पे आइए, आके घूम के जाइए, देखिए इतना अच्छा लगेगा, जैसे पर वेल मेंटेन रोड है, पूरा रोड है एकदम, मतलब इतना मेंटेन रोड है और क्या बताएं, और साफ सुथरा भी, बहुत साफ सुथरा। कॉफ़ी पी लिया, फिर शुरू करते ड्राइविंग।
कोटाधर्मर टेम्पल, इनका जो नाम है ये टेम्पल का नाम, ये देखिए दिस वन, अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। यहाँ पे सब पार्किंग होता है, मतलब अपना गाड़ी को आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं, और उस साइड में ऑटो का है, बस का है, अलग अलग जगह है। अभी चलते हैं दूसरा स्पॉट पे जाएंगे, चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ, बहुत अच्छा वहाँ से व्यू है। चलिए रामेश्वरम का सबसे बेहतरीन जो फेमस जगह है धनेश कुटी अरिचल मुराई। तो मुझे ये लगता है आज तो संडे भी नहीं है, सैटरडे भी नहीं है, तो लेकिन आज बुधवार है, वेडनेसडे को कितना भीड़, कोई मतलब ये नहीं है, जगह नहीं है। आप थोड़ा देखिए चारों तरफ गाड़ियाँ भीड़, पूरा एकदम पूरा छाया हुआ है। चलिए लेकिन इसका व्यू देखिए,
अभी ये भोजन का तैयारी में लगे हुए है। आज रात को बनाएंगे दलिया का खिचड़ी और साथ में ऑमलेट और खिचड़ी, ये रात को खाना है। तो मसाला ऑलरेडी ये रेडी हो गया है, बस अभी गैस ओवन ऑन करना है, इसको पकाना है। मैं फिर रेडी होने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा कलर हुआ उसका। खिचड़ी रेडी और ये साथ में आपका ये देखिए ऑमलेट। तो दोस्तों ये है मेरा गाड़ी का बेड। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो में नहीं देखा उन लोगों के लिए मैं दोबारा दिखाता हूँ। ऐसे मैंने सामान जो है सामने में रखा है और ऐसे करके अब देख सकते हैं, ऐसे करके मेरा बेड बन गया है 4x6 feet का। तो दोस्तों डिनर तो मेरा कंप्लीट हो गया है और मेरा बेड भी बन गया है। आज रामेश्वरम से कन्याकुमारी के रोड पे करीब करीब 100 किलोमीटर हम आए हैं और अभी तक 300 किलोमीटर करीब से ऊपर थोड़ा सा मतलब बाकी है। तो कल सुबह स्टार्ट करेंगे कन्याकुमारी के लिए, तो वहीं पे जाते हैं और फिर आपसे कल मुलाकात होगा। रामेश्वरम का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल की ब्लॉग में। गुड नाइट।